ग्लोबल हंगर इंडेक्स वैश्विक भूखमरी सूचकांक। वैश्विक स्तर पर भूखमरी की स्थिति को बताने के लिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स प्रत्येक वर्ष जर्मनी के संगठन वेल्ट हंगर हिल्फ तथा आयरलैंड की संस्था कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा संयुक्त रूप से तैयार एवं प्रकाशित किया जाता है। इस रिपोर्ट के 2020 संस्करण का मुख्य विषय वन डिकेड टू जीरो हंगर, लिंकिंग हेल्थ एंड सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में भारत को 107 देशों की सूची में 94 स्थान पर रखा गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार 27.2 स्कोर के साथ भारत भूख के मामले में गंभीर स्थिति में है। इसके अलावा भारत में लगभग 14% लोग कुपोषण के शिकार हैं, जो कि भारत की बड़ी जनसंख्या के मामले में यह एक बहुत बड़ा नंबर होता है। 1 करोड़ से अधिक, कहने का मतलब यह है कि 1 करोड़ से अधिक लगभग जो लोग हैं वो भारत में कुपोषण के शिकार हैं। भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, इस सूची में शीर्ष 5 देशों में शामिल है। जहां भारत की स्थिति 94 स्थान पर है, वहीं जो चीन है वो शीर्ष 5 देशों में शामिल है। भारत अपने अन्य कई पड़ोसी देशों से अभी पीछे है। इन देशों में नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया आदि शामिल हैं तथा भारत की स्थिति इन सभी देशों से नीची बताई गई है। इस रिपोर्ट में भूख की स्थिति के आधार पर देशों को 0 से 100 अंक दिए जाते हैं। इस रिपोर्ट में 0 अंक सबसे अच्छा अर्थात भूख की स्थिति नहीं होना दर्शाता है। रिपोर्ट में 10 से कम अंक का मतलब है कि देश में भूख की बहुत कम समस्या है। इसी तरह रिपोर्ट में 20 से 34.9 अंक का अर्थ भूख का गंभीर संकट है। 35 से 39.9 अंक का अर्थ स्थिति बहुत ही चुनौतीपूर्ण है तथा 50 या इससे अधिक अंक हैं तो देश में भूख की बहुत ही बेकार स्थिति है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति किस प्रकार से है, तो इसमें बांग्लादेश की रैंकिंग 75 है जिसका स्कोर 20.4 है। नेपाल की रैंकिंग 73 है, उसका स्कोर 19.5 है। इसी प्रकार पाकिस्तान की भी रैंकिंग भारत से अच्छी है, उसका रैंक क्या है, 88 है, 88वां रैंक है। श्रीलंका का 64वां रैंक है, जो काफ़ी अच्छा है भारत के कंपैरिजन में। अगर हम भारत की बात करें तो वर्ष 2015 से अब तक भारत की रैंकिंग में बहुत अधिक सुधार नहीं हुआ है। 2015 में भारत 93 स्थान पर था, 2016 में 97 स्थान पर, 2017 में 100वें स्थान पर, 2018 में 103वें स्थान पर तथा 2019 में 102वें स्थान पर था और इस वर्ष भारत को 94वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगर वैश्विक स्तर की बात करें तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार वैश्विक स्तर पर लगभग 690 मिलियन लोग कुपोषण के शिकार हैं। आगे यह महामारी वैश्विक स्तर पर भूखमरी और गरीबी को कम करने की दिशा में हुई प्रगति को और प्रभावित करती है। कोविड-19 की जो महामारी है, इससे स्पष्ट कर दिया है कि वर्तमान में हमारी खाद्य प्रणालियाँ जीरो हंगर स्थिति प्राप्त करने के लिए अपर्याप्त हैं। वहीं भारत की बात करें तो कोविड-19 महामारी के कारण मिड डे मील योजना को फिलहाल बंद कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 8वीं तक के बच्चों को स्कूल में दिन का खाना मिलता है। इन बच्चों की आयु 6 से 14 वर्ष के बीच होती है। इस योजना के तहत रोजाना करोड़ों बच्चों का पेट भरता है और जरूरी पौष्टिक आहार मिलता है। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने की वजह से इस योजना के माध्यम से बच्चों को खाना नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि भारत में भूखमरी की स्थिति उत्पन्न हो रही है और बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स की अवधारणा। इस इंडेक्स में उन देशों को शामिल नहीं किया जाता है जो विकास के एक ऐसे स्तर पर पहुंच चुके हैं जहां भूखमरी नाम मात्र की है। दुनिया के विभिन्न देशों में भूखमरी व कुपोषण की गणना और इसके तुलनात्मक अध्ययन के लिए कार्य करने वाले साधन का नाम ही ग्लोबल हंगर इंडेक्स है। इस इंडेक्स में शीर्ष पर रहने वाले देशों को भूख के खिलाफ लड़ाई में सफल माना जाता है, वहीं निचले पायदान पर रहने वाले देशों को असफल माना जाता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स को मापने के क्या पैमाने हैं? ग्लोबल हंगर इंडेक्स का निर्धारण अपर्याप्त कैलोरी लेने की मात्रा के आधार पर किया जाता है। इसी के आधार पर रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो 14% जो आबादी है वो अल्प पोषित है। दूसरा, बच्चों की आयु के अनुपात में कम लंबाई को भी इसमें आधार माना जाता है। तीसरा है, बच्चों की लंबाई के अनुपात में कम वजन।
इसमें लंबाई की तुलना में कम वजन होता है। यह तीव्र कुपोषण को दर्शाता है। तीव्र कुपोषण कुपोषण का सबसे चरम और दृश्य रूप होता है। चौथा है बाल मृत्यु दर। बाल मृत्यु दर 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर को बताता है। भारत में बाल मृत्यु दर में सुधार हुआ है। वर्तमान में यह 37% है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत में वर्ष 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत के लिए कार्य योजना विकसित की गई है। कुपोषण और भुखमरी गरीबी से जुड़ी हुई समस्या है। संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि भारत में हर वर्ष कुपोषण के कारण मरने वाले 5 वर्ष से कम आयु बच्चों की संख्या 10 लाख से भी अधिक है। दक्षिण एशिया में भारत कुपोषण के मामले में सबसे बुरी स्थिति में है। देश के समक्ष गरीबी, कुपोषण और पर्यावरण में होने वाले बदलाव सबसे बड़ी चुनौती है।